मछली पालन आज के समय में रोजगार का एक बेहतर जरिया बन सकता है। देश के युवा इससे जुड़कर रोजगार कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। मछली उत्पादन फिश फार्मिंग बढ़ाने के लिए नई तकनीक और नई पद्धति का भी इस्तेमाल हो रहा है। नई तकनीक और पद्धति के कम जगह में भी बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है, साथ ही अधिक उत्पादन से अधिक कमाई भी होती है। वर्तमान समय में पारंपरिक मछली पालन ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग से अधिक तकनीक आधारित मछली पालन पर फोकस किया जा रहा है। बायोफ्लॉक RAS, केज, पेन, कल्चर के अलावा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मछली पालन की एक और विधि है मिश्रित मछली पालन मिक्स फिश फार्मिंग। इस विधि के जरिए मछली पालन करके जबरदस्त उत्पादन हासिल किया जा सकता है। मिक्स फार्मिंग या मिश्रित मछली पालन भी मिक्स फार्मिंग या मिश्रित खेती की ही तरह होती है। इसमें जो अलग अलग प्रकार की मछलियों का पालन किया जाता है, जिसके तहत कार्प मछली और कैट फिश को एक साथ मिलाकर पाला जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक ही जगह से उत्पादन 3 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। उत्पादन बढ़ने से किसानों की कमाई 3 गुना तक बढ़ जाती है। गौरतलब है कि कार्प फिश के तहत रोहू, कतला, मृगल और बिगहेड मछलियां आती है, जबकि कैट फिश प्रजाति में पंगास मछली का पालन किया जाता है। मिश्रित मछली पालन में इन बातों का रखे ध्यान। केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र मोतीपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी वैज्ञानिक डॉ मोहम्मद अकलाकुर इस विधि में मछली डालने से पहले मछलियों के आकार का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। पंगास मछली फिंगरलिंग आकार का होना चाहिए, जबकि कार्प मछली का आकार फिंगरलिंग या उससे अधिक बड़ा होना चाहिए। कार्प मछलियों का आकार छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंगास मछली छोटा आकार होने पर कार्प मछलियों को खा सकती है। इतना ही नहीं, फीडिंग करने पर पंगास मछली तेजी से खाना खाती है, जबकि कार्प मछलियां धीरे धीरे खाना खाती है। इसके साथ ही कैट फिश के वेस्ट को कार्प मछलियां खाती है, इससे खाने का इस्तेमाल सही तरीके से होता है। मिश्रित मछली पालन के फायदे। मिश्रित मछली पालन में तालाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि पंगास मछली सांस लेने के लिए पानी के ऊपर नीचे होती रहती है, इससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर बना रहता है। 1 एकड़ के तालाब में मिश्रित मछली पालन करने के लिए कैट फिश या पंगास के 6000 से 8000 मछलियों का संचयन कर सकते हैं, जबकि उसी तालाब में 2 से 3000 कार्प फिश का संचयन कर सकते हैं। यहाँ किसान इस बात का ध्यान रखें कि जिस तालाब में बिग हेड डाल रहे हैं वहाँ पर कतला का संचयन नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही मछलियों का भोजन एक ही प्रकार से होता है। मिश्रित मछली पालन में फीडिंग और उत्पादन। इस विधि से मछली पालन करने पर किसान 1 एकड़ के तालाब से साल में 2 बार उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में मछली पालन करके किसान 1 साल में 16 से 20 टन का उत्पादन हासिल कर सकता है। मछलियों की फीडिंग की बात करें तो 2 किलो प्रति दिन के हिसाब से शुरुआत करें और हर दिन इसकी मात्रा 2 किलोग्राम तक बढ़ाते रहे। इस तरह से मछली पालन करने पर किसान 1 एकड़ के तालाब से 1 साल में 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की कमाई कर सकता है। इस तकनीक से मछली पालन करे किसान 5 गुना अधिक होगा उत्पादन और 3 गुना बढ़ेगी कमाई। मिक्स फिश फार्मिंग मिश्रित मछली पालन विधि से मछली पालन करने पर किसानों को काफी फायदा होता है। इस विधि से उत्पादन में 5 गुना तक बढ़ोतरी है, जबकि किसानों की कमाई 3 गुना तक बढ़ जाता है। पर किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस तकनीक से मछली पालन करे किसान 5 गुना अधिक होगा उत्पादन और 3 गुना बढ़ेगी कमाई। मिश्रित मछली पालन से 3 गुना अधिक होगी कमाई। मिश्रित मछली पालन में रखें यह सावधानी।
मिश्रित मछली पालन में सघन मछली पालन पद्धति का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। इसमें फीड का अधिक इस्तेमाल करने पर तालाब में प्लांकटन का ग्रोथ अधिक होता है, ऐसे में पानी को बदल देना चाहिए। अगर पानी बदलने की व्यवस्था नहीं है तो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में अमोनिया और नाइट्रेट की मात्रा की जांच करते रहें। इसके अलावा अधिक मछली होने के कारण रात में पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। इस पद्धति में कार्प मछलियों को एरोमोनास हाइड्रोफिला नाम का रोग होता है। इस बीमारी में पेट फूला हुआ दिखाई देता है। यह लक्षण दिखाई देने पर तालाब में 15 किलो चुना का इस्तेमाल करें, साथ ही टेम्पर नामक दवा का इस्तेमाल करें। चूना डालने के 4 घंटे बाद ही टेम्पर का इस्तेमाल करें।